हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा होम एंड किचन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बटर नान की रेसिपी, जिसको आप घर पर और अपने लोहे के तवे पर बहुत आसानी से बना सकते हो। और आज मैं एक ही डो से आपको तीन तरह के नान बनाकर दिखलाऊंगी। तो आइए चलते हैं मेरे रेसिपी की ओर। अपने नान के लिए सबसे पहले मैदे का डो रेडी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 700 ग्राम मैदा है। उसमें मैं ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच नमक, ये 1.5 चम्मच चीनी। अब उसके बाद ऐड करती हूँ इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक कटोरी दही। ये प्लेन दही है, खट्टी वाली नहीं है। अगर आपकी दही खट्टी हो तो क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले मैं। उसके बाद इसमें पानी से इसके डो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप नान चाहे कोई भी बनाए, बटर नान बनाए या गार्लिक नान बनाए, उसके लिए डो हमें सेम ही रेडी करना है। बस उसके बाद जब डो बन जाएगा और जब नान बनाएंगे उसी टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इसमें गार्लिक का फ्लेवर कैसे दें। तो चलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर गून लेती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, पानी थोड़ा हल्का गुनगुना ही ले लीजिएगा ताकि वो डो अच्छे से रेडी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो। बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए आपको। मैं बिल्कुल अच्छे से इसे डो की तरह बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो अभी मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। और उससे पहले मैं इसमें जरा सा ये ऑयल डालकर इसे अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ ऊपर से, ताकि पपड़ी ना बने ये। और 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो फटे फटे अभी आपको ये दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ये चिकना हो जाएगा। बटर नान के लिए देखिए मेरा डो बिल्कुल रेडी है, ये सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसे और अच्छे से हल्के हाथ से मल देती हूँ। तो ये देखिए अभी दबाने से ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर की तरफ उठ के आ जाता है। तो ये देखिए मेरा डो बिल्कुल चिकना हो गया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे लोई काट लेती हूँ। तो ये जो लोई बनाते हैं ना, ये अपनी रोटी जो बनाते हैं, रोटी से बड़ी लोई होती है। तो ये देखिए मैंने लोई बना ली है। तब जरा सा सूखा मैदा इसमें टच कर लेती हूँ और इसके बाद इसे बेल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे गोली बेल सकते हैं, बट रेस्टोरेंट में आप जब जाते हो ना तो वहां पे लंबा रहता है ओवल शेप में, तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये देखिए मैंने इसके ओवल शेप में बेल लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर ये बटर को थोड़ा सा इस पे स्प्रेड कर दूंगी। इसे अच्छे से स्प्रेड कर और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी मैं कलौंजी, क्योंकि ये बटर नान है। इसके थोड़ा सा कलौंजी डाल देती हूँ और थोड़ा सा ये धनिया के पत्ते। और उसके बाद फिर से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आप यूं बेल दीजिए, ताकि ये सारे कलौंजी और धनिया पत्ती जो अच्छे से चिपक जाए इसमें। तो ये देखिए मैंने तवा गैस पर रख दिया है। मैंने ये लोहे का तवा लिया है, नॉनस्टिक के तवे में चिपकेगा नहीं ये नान, इसलिए आप लोहे का ही तवा लीजिए। तो ये गर्म हो चुका है। तो अभी देखिए जो मैंने नान बेला था, तो अब पहले इसे अपने हाथों में लेकर और इसके उल्टे साइड ये इसको रख देते हैं पलट कर, और यहाँ पे अच्छे से पानी खूब सारा लगा देंगे पीछे में। इसके पानी बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा आप इसके कॉर्नर एरिया में खासकर, ताकि ये तवा से अच्छे से चिपक जाए। तो अब मैं इसे ये उठा के और तवे पे जिस साइड पानी लगा है ना उस साइड से डाल देती हूँ। तो ये देखिए अभी डाल के, और आंच बिल्कुल तेज कर दीजिएगा। तो ये देखिए अभी जरा जरा ये फूलने लगा है नान। तो अभी इसे मैं उल्टा पलट कर देखिए गैस के ऊपर ऐसे रख लगा देंगे, बिल्कुल जिस तरह तंदूर में नान सेकता है ना, तो तंदूर में साइड में चिपका देते हैं और अंदर के आग से पक जाता है। तो ठीक उसी तरह ये हमारा अभी गैस का फ्लेम जो है ये तंदूर का काम कर रहा है। तो ये देखिए ये अच्छे से सिक रहा है, ये बिल्कुल इसे ऐसे करके। आप अगर इसे नॉनस्टिक में बनाते हैं तो नॉनस्टिक में चिपकता नहीं है, इसलिए नॉनस्टिक थोड़ा अवॉइड करिए इस चीज के लिए।
बट अगर आपके पास लोहे का तवा अगर नहीं है तो नॉन स्टिक पूरे बना लीजिए, बट उसे चिमटे से फिर उठाकर रोटी की तरह सेक लीजिए आप। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा, तो बिल्कुल ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा बटर को डैप कर देती हूँ। इसे डैप करके दीजिएगा, वरना अगर आप इस पर रगड़िएगा तो इसका जो कलौंजी और धनिया पत्ती वो निकल जाएगा। तो ये देखिए इसे मैं पीछे तरफ दिखला देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल तंदूर नान की तरह आया है, जैसे तंदूर में नान सेकते हैं। तो इसे मैं दूसरे प्लेट में निकाल देती हूँ और अब मैं आपको गार्लिक बटर नान बनाकर दिखलाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरा लोई काट लिया है और इसे भी सूखे मैदे में डस्ट करके और इसे बेल लेती हूँ बिल्कुल नान के शेप में। तो ये देखिए मैंने दूसरा नान भी बेल लिया है। तो अब मैं गार्लिक बटर नान बना रही हूँ, इसके लिए पहले मैं इसके ऊपर ये बटर को पहले स्प्रेड कर लेती हूँ। अब उसके बाद ये देखिए मैंने गार्लिक को ग्रेट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं गार्लिक डाल लेती हूँ जरा सा और थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसके ऊपर भी हल्का सा बेलन से बेल लेती हूँ ताकि ये गार्लिक और धनिया पत्ती अच्छे से चिपक जाए। अब सेम उसी तरह से मुझे इसको पीछे से टर्न कर देना है और इसके पीछे के हिस्से में अच्छे से पानी लगा देना है, पूरे कॉर्नर पे अच्छे से लगाइएगा पानी। तो ये देखिए पानी लगा लेती हूँ मैं और अब इसे पानी वाले साइड से तवे पे डाल देना है। तो थोड़ी देर में ये भी फूलने लगेगा, उसके बाद मैं इसे उल्टा टर्न करूंगी। ये देखिए मैं गार्लिक बटर नान भी ऊपर से थोड़ा सा फूल चुका है, तो अब इसे तवे को उल्टा टर्न कर लेती हूँ और बिल्कुल बटर नान की तरह ही इसे सेक लेती हूँ। तो ये देखिए कैसे बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आएंगे। तो इसी तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए इसके कितने खूबसूरत कलर आ गया है। तो अभी इसके ऊपर भी बटर को थोड़ा सा डैप डैप मोशन में लगा लेना है ताकि धनिया पत्ती और जो गार्लिक लगे हैं वो ना निकले बाहर। तो ये देखिए मेरा गार्लिक बटर नान भी बिल्कुल रेडी है। इसका भी देख लीजिए उल्टे साइड बिल्कुल जिस तरह बटर नान मार्केट का रहता है बिल्कुल उसी तरह हो जाता है ये तंदूर की तरह। तो बिना तंदूर का भी इसी तरह से आप बनाकर घर में बटर नान का मजा ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे दोनों बटर नान रेडी हैं। तो अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने बटर नान को पनीर बटर मसाला के साथ सर्व किया है और मैं अपने पनीर बटर मसाला की रेसिपी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।